बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो FIA का एक बुक शुरू करते हैं, एक गाइड है डोगर ब्रदर्स का, और ये FIA के तमाम असामियों के लिए मुस्तनद बुक है, रिक्रूटमेंट गाइड है। इसी गाइड को कंप्लीटली हल करते हैं विद फुल डिटेल। आज इस सिलसिले की वीडियो नंबर 1 है और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस गाइड को 15-20 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीटली हम हल करें। आप तो सिर्फ इतना करें कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को, याद रहे कि ये इंटरेस्ट मास्टर चैनल नंबर 2 है, इसी को भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो देखिए दोस्तों, ये गाइड है हमारे पास, FIA का गाइड है, एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर सेंड किया हुआ है, और ये डोगर्स का गाइड है। इसी गाइड को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके शुरू में एक मॉडल पेपर दिया गया है, देखिए ये मॉडल पेपर है, ये इसी मॉडल पेपर कॉल करते हैं, और बाद में इसके जितने पार्ट्स हैं उन तमाम को हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। पहले 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के हैं, इसके करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी चेक मार्क लगी हुई है उस पर, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि इट इज नो यूज, यूज के बाद हमेशा टू लगेगा, इट इज नो यूज टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग, ऑप्शन बी। इसका मतलब है कि हर चीज में नुकस तलाश करना इसका कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग, तो हर चीज में नुक्स तलाश करना इसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, माय व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स, अगर फ्रॉम यू तो फिर आपकी जात की बात होगी, लेकिन जब फ्रॉम यूअर्स इसके साथ आर लग एस लग जाए ये वाला, तो ये पोजिशन केस बन जाता है, यानी आपके व्यू से, आपकी राय से मेरे राय जो है वो मुख्तलिफ है, माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि यू हैव प्लेट इंस्टेड ऑफ वर्किंग, इंस्टेड ऑफ वर्किंग, ऑप्शन डी है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखे कि द स्टडी रिवील्ड, रिवील्ड के बाद अश्कारा कर डेट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, गलियों बच्चों गलियों में जो बच्चे चलते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन को कहते हैं, इन कराची वर्क एज कूलीज, तो खाली जगह में रिवील लगता है, रिवील्ड, ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखे, द अर्थ कांस्टेंटली, कांस्टेंटली मुसलसल ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी डेट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन एंड द एनर्जी इट एमिट्स, एमिट्स के माने खारिज करना बैक टू स्पेस, ऑप्शन सी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हैविंग इम्पैक्ट्स, असरात, क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली ने ऑलरेडी जानवरों और पौधों पर असरात डाले हैं थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। 7 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज मर्डर्ड इन कूल ब्लड, कूल ब्लड, कूल कोल्ड ब्लड, इसके माने हैं बेरहमी से, उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, बेरहमी से।
देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अनफीलिंगली, अनफीलिंगली बगैर एहसास के, इन इंसान को एहसास भी ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं। और एट नंबर क्वेश्चन लिखे दैट स्टूडेंट्स वर इन द ब्लू, द स्टूडेंट्स वर इन द ब्लू के मान इन द ब्लू, इसको हम कहते हैं कि हैरान और परेशान थे, हैरान और परेशान, सैडनेस एंड डिप्रेस्ड। द स्टूडेंट्स वर इन द ब्लू when they hold that the examination will not be postponed after all. तो options ए देखे cheerless, cheerless के माने बेचैन and depressed। नाइन नंबर क्वेश्चन देखे, नौ नंबर, to give so much importance to this dispute, तनाजिया को कहते हैं, to make a mountain of मोल हिल, राई के दानों से पहाड़ बनाना, तो ये नामुमकिन काम है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन बी को देखे, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिपल, ट्रिपल मामूली मामूली बातों को, मामूली मामूली झगड़े इख्तलापात को कहते हैं, उसको ज्यादा अहमियत देना ये अच्छी बात नहीं है। दस नंबर क्वेश्चन को देखे, द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक, एट स्टेक की मानी है खतरे में थी, ऑनर इज्जत, तो इन डेंजर, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और ग्यारह नंबर देखिए दोस्तों, द इंस्पेक्टर वॉज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया, ऑप्शन बी, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, जुर्म करते हुए उसको पकड़ा गया। और क्वेश्चन नंबर 12 देखे, 12 नंबर, शी कट अ सैड फिगर, कट अ सैड फिगर के माने बेशरम, कट अ सैड फिगर यानी जिससे बंदा शर्मिंदा हो जाए, इन आर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज परफॉर्म्ड अ सैड रोल, कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, ऑप्शन डी है। और 13 नंबर क्वेश्चन देखे, ही नेवर वांटेड टू कीप हर अंडर हिज थंब, यानी उंगली के बल नचाना, तो इसके बजूरी कुवत अथॉरिटी उस पर, तो इसका मतलब हो गया अनड्यूल अंडर कंट्रोल, अनड्यूली अंडर कंट्रोल, ऑप्शन सी है। 14 नंबर, आई हैव बोन टू पिक विद यू, बोन आई हैव बोन, बोन माने परेशानी इख्तिलाफ, विद यू इन दिस मैटर, आई एम एंग्री, ऑप्शन ए। और 15 नंबर क्वेश्चन, द कैशियर वाइप द नोज, धोखा देना, चीट करना, ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल, चीटेड, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखे, 16 नंबर क्वेश्चन को, इट इज टाइम डेट प्रोफेसर केम डाउन फ्रॉम दियर आइवरी टावर्स एंड स्टडीड द रियल नीड्स ऑफ प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इसमें डिटेचमेंट एंड सिकल्शन, सिकल्शन की मानी है द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइड यानी गुरूर, यहां पर लिखा है ना आइवरी टावर, टावर्स बहुत बड़े बड़े ख्यालात होते हैं जिनके गुरूर होते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। 17 नंबर क्वेश्चन देखे, शी इज क्वाइट एट सी, एट सी, शी इज क्वाइट एट सी, एट सी की मतलब कंफ्यूज, एट पजल, ऑप्शन सी लिखा ना परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स माने कंप्लीटली इन फजल्ड, जो बंदा
परेशान हैरान और परेशान हो। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मुर्दा घोड़े को चाबक मारने फजूल काम है ना, उसको वो तो ऑलरेडी मुर्दा है। हार्फ अपॉन अ क्वेश्चन डेट हैज बीन सेटल, क्वेश्चन ऑलरेडी सेटल हो गया, हल हो गया, उस पर मजीद काम करना फजूल काम है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, टू बिग द क्वेश्चन, टू बिग द क्वेश्चन के मानिए टू टेक फॉर ग्रांटेड, ऑप्शन बी है। और आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो को देखिए, टू कीप वंस टेम्पर, टू बी इन अ गुड मूड, ऑप्शन बी है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जनरल नॉलेज पार्ट करेंगे और इस पेपर के कंप्लीट होने के बाद इस गाइड को शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।